अगस्त क्रांति के उपलक्ष्य में बीजेपी युवा मोर्चा के तरफ से तिरंगा यात्रा निकाला जाने वाला है, इसको लेकर तैयारियां चल रही है। 9 अगस्त को इसको लेकर पटना में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक कुमार, जो कि पटना महानगर के भाजयुमो के अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कहेंगे इस उपलक्ष्य में, जो आपने कहा है कि तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं, क्या कुछ होगा उसमें? हम लोग पटना महानगर युवा मोर्चा के माध्यम से अगस्त क्रांति दिवस के रूप में हम लोग मौर्या होटल से कारगिल चौक तक तिरंगा यात्रा निकालेंगे और देश क्रांति के लिए कुछ एक मैसेज देना है। इस तिरंगा यात्रा में क्या कुछ खास होगा, मतलब सिर्फ तिरंगा लेकर एक यात्रा करेंगे या और भी कुछ मतलब एक संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम लोग सोच रहे हैं कि एक लंबा झंडा है, वो निकलते चला जाएगा, उस पर सब लोग पकड़ते हुए हम लोग चलें। ये होगी आपको होटल मौर्या से कारगिल चौक तक। चलिए, क्या और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ उद्देश्य रखा गया है इस कार्यक्रम में? मुख्य उद्देश्य है भारतीय जनता युवा मोर्चा पटना महानगर, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गेश सिंह जी के नेतृत्व में पटना महानगर पूरी तत्परता से इस अगस्त क्रांति को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, मनाएगी, जिसमें कि इस 15 अगस्त जो है वो 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और ये 75वां हमारा आज़ादी का महोत्सव है। इसको और वृहद पैमाने पे भारतीय जनता युवा मोर्चा इस बार हम लोग बना रहे हैं, जो होटल मौर्या जेपी गोलंबर से चलते हुए और कारगिल चौक पे समाप्त होगी। अच्छा, ये सिर्फ पटना में ही होगा या बिहार के अन्य हिस्सों में भी होगा या देश भर में? जैसा मैंने पहले ही बताया कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय दुर्गेश प्रसाद सिंह का आदेश है और उनका मार्गदर्शन में पूरे बिहार में ये चीज़ आगाज हो रहा है, क्योंकि पटना महानगर बिहार प्रदेश का एक दिल है और सारा और यही महानगर है जो पूरे बिहार को दिशा और दशा दोनों दिखाता है। इसलिए हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और हम अच्छा करके और उनकी आकांक्षा जो है आदरणीय अध्यक्ष जी की, प्रदेश अध्यक्ष जी की, उस पर हम पूरी तत्परता से खड़े उतरे, यही हमारा है। कितनी संख्या में लोगों की जुटने की लगता है कि काफ़ी संख्या, कितने लोग इसमें लगभग? हम लोग पूरे पटना महानगर में 60 मंडल हैं, हम लोग 60 मंडल के मंडल अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, युवा मोर्चा की पूरी टीम को हम लोग अपील करेंगे, आम लोगों से भी हम अपील करते हैं, लेकिन चूंकि गर्मी का प्रभाव है और वो वर्किंग डे है, प्रोटोकॉल है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमको सारा चीज़ जो नियम गाइडलाइन आया है सरकार के द्वारा उसको पालन करते हुए और जो एक सामाजिक दूरी जो है उसको पालन करते हुए और हमको निकालना है। इसमें अधिक से अधिक संख्या अनुमानतः हमारे अंदाज से 400 से 500 के टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग पे अभी थोड़ा सा भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसको शायद हो सकता है 10 या 11 बजे से होगा, देखते हैं क्या। तो तिरंगा यात्रा निकाला जाने वाला है 9 अगस्त को इसको लेकर पटना में और इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। बढ़ रहे हैं NBC 24 के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।